दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए, इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये चीज जो आप देख रहे हैं, इसे देखकर तो काफी लोग समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है। जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये एक मोटर है जो मदानी और फर्राटा फैन में इस्तेमाल होती है या किसी भी टेबल फैन में इस्तेमाल हो सकती है। ये मोटर काफी टाइम पहले एक कस्टमर ने अपनी मशीन में लगवाई थी, मदानी मशीन में। तो कस्टमर से 550 रुपये चार्ज लिया गया, लेकिन इस मोटर को कॉपर का बताकर, यानी कि मोटर जिसने इस मोटर को उनकी मशीन में फिट करा, उन्होंने बोला कि कॉपर की हमने मोटर फिट करी है और ये जो है 550 रुपये उन्होंने चार्ज ले लिया। तो यही बस सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप इस फील्ड पे हो तो आपको यही चीज जाननी है। तो कॉपर जो होता है ना, वो बहुत महंगा होता है एल्यूमिनियम के मुकाबले, यानी कि दोनों में 200 से 300 रुपये का डिफरेंस होता है। ये मोटर अगर आप एल्यूमिनियम में ले रहे तो मार्केट में आपको 200 से 250 रुपये के प्राइस में मिल जाएगी। हो सकता है उससे सस्ती भी हो या महंगी भी हो, तो जगह जगह के हिसाब की बात है। अच्छा, आपके यहाँ बताइएगा जरूर, अगर आप इसका काम करते हैं तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों के रेट क्या हैं, फिलहाल कमेंट करके आप लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ 200 से 250 रुपये में एल्यूमिनियम में मिल जाती है और कॉपर में थोड़ा सा कॉस्टली होती है, यानी कि कॉपर में मुझे 350 से 400 रुपये के आसपास में मिलती है। ये हमारी लोकेशन पे बता रहा हूँ। वही 100 से 150 रुपये फिटिंग चार्ज लेते हैं, भले आप कॉपर लगा रहे हो भले आप एल्यूमिनियम लगा रहे हैं, लेकिन हम रेट जेन्युइन लेते हैं। अब कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया गया है यहाँ पर, किसमें? एल्यूमिनियम की वाइंडिंग लगा कॉपर बताकर। यही चीज़ आपने देखनी है। अब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम होता है उसके नुकसान, एल्यूमिनियम में क्या होता है, कभी पानी वगैरह पड़ गया, कभी नमी आ गई, कभी आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा है, या गलती से इसमें पानी चला गया, मट्ठा चला गया, तो एल्यूमिनियम बरसात के दिनों में गल जाता है, ख़राब हो जाता है। कुछ देखिए, ये मोटर मैंने सोचा चलो रिपेयर कर लेता हूँ, बट इसको जब मैंने खोला और देखा तो यहाँ पर है ना प्रॉपर रीडिंग नहीं आ रही थी। अंदर से जगह जगह से गला हुआ था इसका एल्यूमिनियम। मैंने जोड़ने की कोशिश भी करी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। हाँ, जुगाड़ तरीके से बनाना मुझे सही नहीं लगा, बन तो जाएगा लेकिन जुगाड़ तरीके से बनाना मुझे सही नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि ये उसके बाद रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये खराब होने लगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्या होती है ना, लाइफ ज़्यादा नहीं होती है और एल्यूमिनियम खराब जल्दी हो जाता है। आप यूज नहीं भी कर रहे हो तो भी आप अपनी मशीन को अगर 2-3 महीना नमी वाली जगह पर रखते हैं तो वो गल के खराब हो जाती है। हालांकि एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है कस्टमर को, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाता है। और यहीं पर कॉपर की बात करें, कॉपर की लाइफ ज़्यादा होती है, कॉपर की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, और वहाँ पर है ना आप उसको कहीं भी रख लो वो खराब नहीं होने का। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसका काम कर रहे हैं मोटर का, तो आप कभी भी ध्यान से देखो, और भले हो सके तो इस तरीके से आप खरीदने जाओ तो हल्का सा ब्लेड ले लो। हालांकि जिसके यहाँ से आप खरीद रहे हैं अगर आपको विश्वास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको बोलो कि भाई मैं एक जगह से स्क्रैच करके देखना चाह रहा हूँ, तो उसको इस तरीके से किसी एक बार को स्क्रैच करके देख लो। किसी एक बार पे आपने हल्का सा स्क्रैच, काटना नहीं है वरना आपके सर पड़ जाएगी, सिर्फ स्क्रैच करके देख लेना है हल्का सा, अगर आपको परमिशन देता है तो। वैसे तो परमिशन नहीं देगा कोई भी, फिर भी आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, स्क्रैच करने पर जो एल्यूमिनियम होगा उसके अंदर एक व्हाइट कलर की कोटिंग निकलेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम व्हाइट कलर का होता है। बस यहाँ पर ये कॉपर कलर का पानी चढ़ाया गया होता है, इसी में धोखा दे दिया जाता है कस्टमर्स को या जो नए नए इस फील्ड पे हैं उनको, ठीक है, इसी में, क्योंकि दोनों के रेट में 300 से 400 रुपये का अंतर होता है। तो ये एल्यूमिनियम के होती है। अगर आप कॉपर को कितना भी घिसो, सपोज ये वायर कॉपर की वायर है हमारी, इसको कितना भी घिसो ये उतना ही अंदर को वैसा ही रहेगा जैसा ये बाहर था। कॉपर कितना भी घिसो, और कॉपर थोड़ा सा मजबूत होता है। अगर आप दूसरी पहचान में बता रहा हूँ, जो कॉपर की वाइंडिंग होती है वो थोड़ा सा ना सेम गेज की भी होगी तो थोड़ा सा आपको मजबूत सी लगेगी, और ये एल्यूमिनियम उतनी मजबूत नहीं होती, ये फील करने पर पता चल जाएगा। ये तो आप जब काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सब ज्ञात होते रहेगा, लेकिन ये दो चीज़ें आप हमेशा याद रखना। एल्यूमिनियम की जो कोटिंग रहती है स्क्रैच करने पर दिख जाती है, और एल्यूमिनियम थोड़ा सा हल्का कॉपर के मुकाबले होता है उस सेम गेज में। तो ये दो चीज़ें हैं, बस ये चीज़ों का आप अगर ध्यान देंगे तो कभी भी ठगी से, यानी कि कभी भी ठगी का शिकार नहीं होंगे, बचे रहेंगे। तो ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो थी जो लोग इस फील्ड पर नए हैं, या उन्हीं कस्टमर्स के लिए थी जो अपनी मशीन को रिपेयर करवा के आए हैं या करवाने जा रहे हैं। ध्यान देना इन चीज़ों का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और
अगर आप चाहते हैं इसकी रिपेयरिंग का वीडियो मैं बनाऊं तो वैसे ऑलरेडी बनी है, जो बेसिक तरीके से ख़राब हो जाती हैं, हल्की फुल्की ख़राब होती हैं, उनकी रिपेयरिंग आसानी से आप घर पे भी कर सकते हैं। वीडियो देख लेना, किसी भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। बाकी काफ़ी जो ये काम करते हैं ना ऑलरेडी, और ये कॉपर बता के एलुमिनियम बेच रहे हैं, तो वो लोग मुझसे नाराज़ हो सकते हैं वीडियो में। कोई बात नहीं, नाराज़ हो जाएं, बट ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दो पैसे का खातिर किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। ऐसा किसी कस्टमर के साथ हुआ तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, ताकि आप में से कई लोग जागरूक रहें। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।